हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिशिका एंड वेलकम टू माय चैनल दिशिका ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोग के लिए है जिनकी जब भी आईब्रो बनती है तो एक समान नहीं बनती है, यानी कि ऊंची या नीची हो जाती है, मोटी या पतली हो जाती है। और आप जिससे कराते हो और आप कंप्लेन करते हो तो आपको सुनने को ये मिलता है कि मैम, आपकी थ्रेडिंग तो पहले से ही ऐसी थी, या आपकी आईब्रो में बाल ही नहीं है तो मैं कैसे बना दूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो भी थ्रेडिंग बनाता है आपका या जो भी आईब्रो बनाता है, इसका ये हल बिल्कुल नहीं है कि आप अपने क्लाइंट्स को बोल दो कि आपका बाल नहीं है या आपका ऐसे ही ग्रोथ है। आपको अपने काम पे वर्क करना पड़ेगा और आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है, आप जिस क्लाइंट को बना रहे हो आईब्रो, तो उसका ये ऊंचा नीचा क्यों हो रहा है। वो छोटी सी मिस्टेक होती है, अगर उस मिस्टेक को हम सही कर लेंगे तो आप कभी भी किसी का भी आईब्रो ऊंचा नीचा नहीं बनाओगे, या जो भी बनाता है उसका आईब्रो ऊंचा नीचा आप किसी भी पार्लर में होता भी है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि देखो भाई, इस स्टाइल से बनाओ तो मेरा ये आईब्रो ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो जो भी बनवाने वाले हैं और या जो बनाने वाला है, उन दोनों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो का बहुत ध्यान से देखिएगा और जो मैं इसमें बता रही हूँ उस चीज़ को फॉलो करते जाइएगा तो कभी भी थ्रेडिंग ऊंचा नीचा नहीं होगा, दोनों शेप बराबर होंगे और इक्वल होंगे। अगर आप मोटा पसंद करते हो आईब्रो अपना तो मोटा अच्छा लगेगा, दोनों इक्वल होगा। पतला पसंद करते हो आईब्रो तो पतला भी इक्वली बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप सबसे पहले बनाते हैं राइट साइड का आईब्रो। तो जब हम पहले राइट साइड के आईब्रो को पूरा शेप दे लेंगे, अब शेप देने में पहली टेक्निक है कि आप अपने क्लाइंट को जो उनका जो आईब्रो है वो सही से पकड़िए। जैसे मैंने जिस एंगल पे अंगूठा रखा है ना, उस एंगल पे ही रख के आप अपने क्लाइंट के आईब्रो को पकड़ाया करिए, या आप कहीं बनवाने जा रहे हैं तो आप भी इसी एंगल में अपना आईब्रो पकड़िए, ताकि जो भी बना रहा ना उसको एक अच्छा अच्छा आइडिया हो जाए कि आपका आईब्रो इस शेप में जाएगा। आजकल जितने भी लोग हैं आईब्रो अपनी आर्च शेप में ही बनाना पसंद करते हैं और मोटा ही आईब्रो बनाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना राइट साइड वाला आईब्रो बना लेंगे, अच्छा सा शेप दे लेंगे, ठीक है। जैसा भी शेप देना चाहे अपने क्लाइंट को वैसा शेप दे लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट को अच्छा सा शेप पहले दे दूँगी राइट वाला। अब ऊँचा नीचा ना हो इसके लिए हमें दूसरी आईब्रो पर चलना होगा, और वो तब आपको टेक्निक पता चलेगी कि ऊंची नीची कैसी ना हो हम लोगों के आईब्रो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैम, जब भी मैं आईब्रो बनाती हूँ तो राइट साइड का तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन जब भी मैं लेफ्ट में बनाती हूँ तो हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ, क्योंकि वो इक्वल नहीं दिखता है। जब क्लाइंट अपना शीशा देखता है ना, तो वो आईब्रो में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप प्लीज़ इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाइएगा। तो अगर वो देख रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही मैंने बनाया है, और आप इसको अच्छे तरह से इस क्लास को देख लीजिए कि ये किस तरह से मैं इक्वल आईब्रो बनाती हूँ। तो देखिए, ये पहला आईब्रो मेरा लगभग पूरा बन चुका है। अब ये जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो मैं इसको छाट दे रही हूँ, और पहला आईब्रो जो है बिल्कुल सटीक बनाइए, क्योंकि आपको उसके ही हिसाब से आपका लेफ्ट वाला आपको आईब्रो का शेप देना होता है, ओके। तो जो पहला आईब्रो बनेगा ना, उसका शेप आपको बहुत ही अच्छा देना है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने ये आईब्रो बना लिया है, जिस एंगल से मैंने पकड़ा है अपने थंब से यानी अंगूठे से पकड़ा है, आपको क्लाइंट को इसी एंगल में पकड़ाना, ये पहली बात है, ठीक। अब तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जब ऊंचा नीचा होता है तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे आईब्रो, ठीक है, तो पहले तो आप अपने क्लाइंट को अच्छे से पकड़ा दीजिए, जिस शेप में इस साइड में पकड़ाया था आर्च वाले शेप में, तो इस साइड में भी उसी शेप में अच्छे से पकड़वा देंगे उसको आईब्रो, ठीक। फिर अपना धागा रेडी कर लीजिए, और जो हमारा फर्स्ट वाला आईब्रो है उसकी सीधाई से देखिए, मैंने वहाँ से रखा है और घसीटते हुए मैं सेकेंड आईब्रो की तरफ आ गई हूँ। देखा आपने, फिर से मैं दिखाऊंगी भी, देखिएगा, ये मैंने रखा धागा और घसीटते हुए इस आईब्रो पे मैं ले आई। अब इससे क्या हुआ, हम लोगों का एक गाइडलाइन बन गया कि हमको इधर के पहले इतने बाल निकालते चलने हैं। आपको मैं दोबारा बता रही हूँ,
पहले मैंने इनका जो फर्स्ट आईब्रो बना दिया था उस आईब्रो का शेप जहाँ से शुरू था, शुरुआत का फ्रंट लाइन का 90 डिग्री वाला आपने देखा होगा, वहाँ से मैंने धागा रखा और धागा घसीटते हुए मैं सेकेंड आईब्रो पर ले आई, ठीक है। और सेकेंड आईब्रो के पास ला के मैंने बाल निकालने शुरू कर दिए। अब जब यहाँ के मैंने सारे बाल निकाल लिए हैं तो एक ही लाइन में मैंने चला है, मैंने पहले धागा बिल्कुल नहीं उठाया, उसी सीधाई से मैंने सारे बाल निकाल दिए है। अभी शेप कोई नहीं दिया, सिर्फ मैंने उस लाइन को फॉलो करा है। अब यही एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपके आईब्रो जो भी आप बना रहे हैं जिसकी भी, उसकी ऊंची नीची बिल्कुल भी नहीं होएगी, ठीक है। और बाद में जो भी आपको एक्स्ट्रा बाल दिखेंगे आप अपने एक्स्ट्रा बाल निकालते चलिए, ठीक। तो ये छोटी सी ही टेक्निक है और इसको अभी हम 2-3 बार मेज़र करके भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से मेज़र करना है आपको, ताकि आपको बिल्कुल इक्वल आपको आईब्रो मिले, ठीक, कहीं से भी ऊंची नीची कतई ना दिखे। हाँ तो देखिए, ये मैंने पहले इनका बना दिया है, मैंने गाइड लाइन दी थी। अब आप देखिए दोनों आईब्रो बराबर आ गई हैं। अब मैं जो ऊपर की कटिंग है वो कर लूँगी, ठीक। ये ऊपर की कटिंग में जितने एक्स्ट्रा बाल हैं वो मैं काटती चलूँगी। अच्छा, बहुत गहराई से बाल नहीं काटने, पहली वाली जो आईब्रो है उसी की लेंथ लेते हुए ही हमको दूसरी आईब्रो का भी ऊपर का बाल निकालना है। ऊंचाई नीचाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने जो नीचे की लेंथ है ना वो तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल पहली आईब्रो से लेते हुए करना है, और ऊपर भी आपको इक्वली दिख रहा होगा कि हमको कहाँ का लेंथ हटाना है और कितनी ऊंचाई के बाल हमको काटने हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल भी ज़रा सा भी आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा। ये मैं अच्छी तरह से आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए है ना, दोनों बराबर आई हैं, कोई भी ऊंची नीची नहीं आई है। अब हम अपने धागे से मेज़र कर लेंगे कि हमारे जो आईब्रो है वो क्या दोनों इक्वल है, धागे से नाप लेंगे। और धागे से नापने के बाद अगर आपको एक दो भी बाल दिखेगा तो आप उस बाल को निकाल देंगे, ठीक है। जैसे फ्रंट लाइन का हम लोगों ने नाप लिया, देखिए फ्रंट लाइन एकदम बराबर है, हाँ। और अब मुझे एक ज़रा सा केवल एक बाल दिख रहा है ना, केवल एक बाल मुझे दिखा तो मैं उसको फिर से निकाल दूंगी। और ये लगभग बिल्कुल मैं हर एंगल से देखिए रख रख के देख ले रही हूँ। आप इस एंगल से एक दो बार जब प्रैक्टिस करके रखोगे ना, आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको बार बार नापना पड़ रहा है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको एक और दो बार में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे एक बाल दिखा है तो वो एक बाल भी मैं निकाल दूंगी जो मुझे अपने थ्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा था। देखिए ये बाल मुझे दिखा था और इस बाल को भी मैं निकाल दूंगी, ये देखिए। ओके गाइस, देखिए बहुत ही इजी तरीका है। और अब आप किसी भी क्लाइंट के बना रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा कि मैम आपका ऊंचा नीचा पहले से था आईब्रो, या आपकी आईब्रो में ग्रोथ नहीं था, या जो बनवाने भी जाते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी आईब्रो हो चुकी है ऊंची नीची तो आप जहाँ से भी बनवाते हो तो अपने आप पार्लर में सजेस्ट करो कि आप प्लीज़ एक बार इसको मेज़र कर लीजिए मेरी आईब्रो को, ठीक। अब आप देखिए दोनों आईब्रो एकदम बराबर पे आ गई, ओके, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने बताए, एक मैंने बताया कि आपको पहले से नाप लेना है, और आप देखिए एक तरीका ये भी है कि आप इसको भी लंबाई में नाप लीजिए दोनों को, ठीक है। तो ये मैं इसको लंबाई में भी नाप ले रही हूँ कि दोनों बराबर आई हैं कि नहीं आई हैं। 2-3 तरीकों से आप अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो आपके क्लाइंट का या आपका आईब्रो कभी भी ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, दोनों बराबर ही दिखेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा बचे हैं वो मैं बाल झाड़ दूंगी, और एकदम लास्ट का आप देखिए एकदम बराबर आया है, और क्या बढ़िया थ्रेडिंग बना ना। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट्स बॉक्स में आप करके मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ओके बाय।